माँ, आज रतन ने जब इनके साथ मिसबिहेव किया ना, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है रतन को। वो तो है ही बदतमीज। अक्षय ने उसे डांटा नहीं? एक शब्द भी नहीं कहा माँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो अपने गुस्से को इतना कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। बहुत पेशेंस है इनमें, और एक तरफ वो रतन है। नाम मत लो उस बदमाश का। अक्षय और रतन में वही फर्क है जो अच्छे और बुरे में होता है। एक जेंटलमैन और एक स्काउंडरल में होता है, एक शरीफ इंसान और एक बदमाश में होता है। निकम्मा कहीं का। I tell you, वो रतन इस लायक ही नहीं है कि बस बस माँ, आपने एक मिनट में उस बेचारे को कितने सारे नाम दे डाले। वो कोई बेचारा बेचारा नहीं है। He is very manipulative. तुमने देखा नहीं किस तरह से उसने अभिया को अपने प्रेम के जाल में फंसाया? और वो स्टूपिड लड़की, मैंने उसे कितना समझाया लेकिन अंधी हो गई थी उसके प्यार में वो। माँ, पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, अब अगर रतन आए और तुम्हारे और अक्षय के पैर पकड़ के भी माफी मांगे ना, उसे हरगिज माफ मत करना। तुम्हारे में और अक्षय में बस एक ही बुराई है, तुम दोनों का दिल बहुत नरम है। फट करके माफ कर देते हो किसी को भी। काम डाउन। माँ, ये फ्रेम कैसे टूट गई? विजय, वो बेटे, वो एक्चुअली हाँ माँ, किसने तोड़ी ये फ्रेम? मम्मी, क्या है नीति? आप प्रॉमिस करो कि आप डांटोगे नहीं। नीति, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। पापा बता दो। हाँ बेटा, अब तुम बता ही दो। मैं और नानी बॉल खेल रहे थे, बॉल फ्रेम को लग गई और फ्रेम टूट गई। नीति, हॉल में कोई खेलता है क्या? माँ, आप भी हॉल में खेल रहे थे? हॉल कोई खेलने की जगह है क्या? सॉरी मम्मी। अच्छा जी, तो पापा के साथ फोन पर यही बातें की जा रही थी, राइट? और आपको भी सबके बारे में पता था? कोई बात नहीं, फ्रेम वैसे भी पुरानी हो गई थी, नया आ जाएगा। शरारती बच्चा। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ना जो अंग्रेजी पियेंगे, हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले, तेरे लिए भी है। आज मैं देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. अरे तेरी छोटू। अरे शाम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे, पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो चाचा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। अच्छा।
देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।